हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की मूवी बुलबुल की। तो बुलबुल एक हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर हॉरर बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आपको हॉरर देखने को नहीं मिलेगा इस मूवी के अंदर। आपको हॉरर के नाम पे रेड कलर की स्क्रीन मिलेगी और थोड़े से डरावने से कुछ सीन हैं जिनको देखकर आप बहुत ज़्यादा नहीं डरेंगे। अगर आप बच्चों के साथ ये मूवी देखते हैं तो उनके साथ कुछ दो एक आध सीन छोड़ के बाकी ये मूवी ठीक ठाक है। आप बच्चों के साथ देख सकते हैं, बाकी मूवी नॉर्मल है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी लड़की से जिसका नाम बुलबुल है, और उसकी शादी हो जाती है बड़े ठाकुर से, यानी राहुल बोस से। राहुल बोस का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है सत्या। अब सत्या और बुलबुल जो हैं वो हम उम्र होते हैं, जिसकी वजह से दोनों एक साथ रहने लगते हैं और आपस में उनकी ज़्यादा बातचीत होती है। सत्या जो है वो बुलबुल को कुछ कहानियाँ सुनाता है, जो हॉरर कहानियाँ सुनाता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में कुछ इस तरह का। और बचपन से वो दोनों एक साथ रहते हैं तो थोड़ा सा बुलबुल जो है सत्या को लाइक करने लग जाती है। अब कहानी चली जाती है 20 साल आगे। 20 साल बाद दोनों जवान हो जाते हैं और गांव में 20 साल बाद सत्या जो है वो पढ़ लिख के बाहर से आता है 4-5 साल के बाद। तो जब वो गांव वापस आता है तो वो देखता है कि गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लग गई हैं, कुछ हॉरर कहानियां चालू हो गई हैं, लोगों के मर्डर होने लग जाते हैं। तो सत्या जो है उन मर्डर्स को, मिस्ट्रीज को सॉल्व करने लग जाता है। तो बेसिकली ये कहानी इसी पे आधारित है। दूसरा, इसके अंदर जो सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा मुझे जो कि है, इसमें महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते रहे हैं अब तक, उनको एक विशेष एंगल से बहुत ही अलग ढंग से दिखाया गया है, जिसके अंदर आपको हॉरर टच के साथ में थोड़ा सा देवी देवताओं का टच भी मिलेगा। तो जो पुराने ज़माने से लोग चले आ रहे हैं, उल्टे पैरों के होते हैं भूत, तो ये जो सारी जो कहानियाँ हैं वो इस मूवी को देखने के अंदर आपको मिलेंगी। 1.5 घंटे की ये मूवी है और 1.5 घंटे में आपको सारी मूवी समझ में आ जाएगी। बहुत ज़्यादा हॉरर इसके अंदर नहीं है, नाम का हॉरर है इसके अंदर, लेकिन कहानी अच्छी है। कहानी के किरदारों ने बहुत ही अच्छे किरदार किए हैं। कैलकाटा का टच जो है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा, कपड़ों से, वहाँ के लैंग्वेज से। तो ये सारे एक्सपेक्ट हैं। मेरे हिसाब से मैं इस मूवी को 10 में से 6 नंबर दूंगा, इससे ज़्यादा इस मूवी का नहीं नंबर, या एंटरटेनिंग इसको नहीं कहा जाएगा। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।